Hello 9th class students, today in today's video lesson we are starting our first topic of physics, that is motion. And motion is a chapter related to the branch of physics that is known as mechanics. Okay, so आपको अच्छे से पता है कि हम लोग रिविज़न कर रहे हैं. तो रिविज़न के अंदर सबसे पहले न्यू स्टूडेंट्स जो ऐड हुए हैं वो इस चैप्टर को अच्छे से देखें, ठीक है, रीड आउट करें. इस चैप्टर के PDF फाइल्स मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, और मैंने आपको लास्ट जो वीडियो लेसन शेयर किया था वो था शायद आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सलेशन टाइम ग्राफ, इन सब के बारे में हमने वीडियो लेसन शेयर किया था. उससे पहले की जो वीडियो थी वो मैंने आपको शेयर नहीं की थी. उस वीडियो को मैं एक लेंथी वीडियो बना के और आपको यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करने वाला था. तो हेयर इज़ द वीडियो. ओके, सो लेट्स हैव स्टार्टेड आवर फर्स्ट चैप्टर मोशन. ओके, मोशन इज ए ब्रांच, और आप ये बोलोगे मोशन इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड टू मैकेनिक्स. जो किससे रिलेटेड है? मैकेनिक्स से रिलेटेड है. क्या होती है मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर स्टडीड. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के मोशन को हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. बेसिकली यहाँ ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, दैट मोशन इज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, फिजिक्स के अंदर हमने फिजिक्स क्या होती है सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन करेंगे. फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. ठीक है, जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं और नेचर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या नेचर को एक्सप्लोर करने से करने की जब भी बात आती है, वी ऑलवेज ट्राई टू स्टडी और वी ऑलवेज गो फॉर फिजिक्स. ठीक है, फिजिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है, तो फिजिक्स क्या हो गया? जो भी चीज़ें आपको नेचुरली दिखाई दे रही है, रेनबो फॉर्मेशन हो गया, मोशन ऑफ प्लैनेट्स हो गया, डेज एंड नाइट्स फॉर्मेशन हो गए. ठीक है, तो ये सारी की सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं इनको हम लोग फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, आपको पता होगा फिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल साइंसेज. इसका मतलब सभी साइंस है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से इमर्ज आउट हुई हैं, और जो उनका रूट होता है वो फिजिक्स के अंदर ही मिलता है आपका. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर और फेमस ब्रांच के आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं. उसमें फर्स्ट आपका एलिमेंट्री टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो आपका मोशन है. और हमने कहा मोशन किससे रिलेट होता है? मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है. ठीक है, मैकेनिक्स को हमने बता दिया कि मैकेनिक्स फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज है. ठीक है, उनमें से एक का नाम मैकेनिक्स हो गया, एक थर्मोडाइनमिक्स होती है. ओके ओके, उसके बाद आती है क्वांटम मैकेनिक्स आती है, क्लासिकल मैकेनिक्स आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, करंट इलेक्ट्रिक, ये सारी की सारी ब्रांचेज आप 9th to 12th आप लोग क्या करोगे? स्टडी करोगे थोड़ा थोड़ा. इनका एलिमेंट्री टॉपिक्स आप क्या करोगे? स्टडी करोगे, और फिर इन टॉपिक्स को हम लोग एक्सपेंड करते हैं या और डिस्कवर करते हैं इनके बारे में, और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इन टॉपिक्स को अपनी हायर क्लासेस के अंदर. ओके, तो मैकेनिक्स हमने पढ़ना स्टार्ट किया. मैकेनिक्स में हमने बता दिया मैकेनिक्स डील्स विद मोशन. ठीक है, मैकेनिक्स किसके साथ डील करती है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है. ठीक है, क्योंकि हम लोग 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के अंदर क्लासिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम जनरली जो मोशन होगा वो मोशन हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का मोशन पढ़ेंगे. मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? फिजिक्स के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स या किसी भी ऑब्जेक्ट को दो तरीके से पढ़ते हैं. एक तो आपके पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. ठीक है, या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और ये पार्टिकल्स ही ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो मैक्रो वर्ड रिलेट होता है द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी विद द नेकेड आइज. ठीक है, जो बिना किसी माइक्रोस्कोप स्पेक्स लगा के, ठीक है, अगर आपके आइज़ में कोई डिफेक्ट नहीं है तो. ठीक है, अगर आपकी आइज़ के अंदर ही कोई डिफेक्ट ऑफ विजन है तो डेफिनेटली आप कुछ उन चीज़ों को देखने के लिए भी स्पेक्स की जरूरत पड़ती है आपको. क्लियर है? लेकिन अगर आपकी नॉर्मल आई है तो नॉर्मल आइज से बिना स्पेक्स लगाए हुए या बिना कोई विजुअल एड का मतलब कोई चीज़ बिना माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप इन सभी की हेल्प बिना इनकी हेल्प से जो चीज़ें हम लोग नॉर्मल लाइफ के अंदर देख पाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है. ठीक है, और सेकेंडली होते हैं माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं. अगर मैं उनका कुछ एग्जाम्पल दूंगा तो आप बोलोगे पार्टिकल, जितने भी सब एटोमिक पार्टिकल्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये ETC, ये सारे पार्टिकल्स हैं, इन सभी को हम माइक्रोस्कोपिक सब एटोमिक पार्टिकल्स बोलते हैं. ठीक है, तो हम 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो आप रूम के अंदर अपनी डेली लाइफ के अंदर इजिली देख पाते हो. ठीक है, उनके अंदर व्हीकल्स भी आ जाएंगे. ठीक है,
उनके अंदर एक ह्यूमन बीइंग पार्टिकल ऑब्जेक्ट तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन कई बार बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे मैकेनिक्स के अंदर जो एक पर्सन से रिलेटेड होंगे, जो एक पर्सन के मोशन से रिलेटेड होंगे, क्लियर है? तो ये सारी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होंगे। तो द थिंग्स दैट वी कैन सी अराउंड अस आर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। एक और भी इसकी कैटेगरी होती है, उनको बोलते हैं हम लोग टेरेंशियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? टेरेंशियल बोलते हैं, टेरेंशियल का मतलब भी यही जो हम लोग अपने वर्ल्ड में या अपने डेली लाइफ के अंदर देख पाते हैं, ठीक है? एक होता है उसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ये आपने पढ़ रखे होंगे, ठीक है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच आर फार मोर लार्जर एज कम्पेयर टू द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स से बहुत बड़े होते हैं ये, और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या आते हैं? प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, आपके स्टार्स हो गए और प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, और आपके कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए, ये सारे के सारे कैसे ऑब्जेक्ट्स में आते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में आते हैं। इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की स्टडी हम लोग कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है? कॉस्मोलॉजी भी एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ओके? तो ये एक डिफरेंट मतलब ब्रांच है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हो, ठीक है? तो फिलहाल हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब आपने मैकेनिक्स जो आपने कहा कि मोशन से रिलेटेड एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, उसको भी हमने दो कैटेगरी में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। बेसिक कैटेगरीज होती है इनकी, इनमें से एक को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स और एक को बोला जाता है डायनामिक्स, ठीक है? मतलब नाइन्थ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप काइनेमेटिक्स को स्टडी करते हो, ठीक है, और सेकेंड चैप्टर होता है जिसको हम लोग फोर्सेज और लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, उसके अंदर हम डायनामिक्स की स्टडी करते हैं, क्लियर है? क्या है काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्टडीड विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन, ठीक है? काइनेमेटिक्स वो ब्रांच होती है मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी तो करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट का कॉज ऑफ मोशन स्टडी नहीं करते, मतलब व्हाई दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन दिस इज नॉट स्टडीड इन काइनेमेटिक्स, ठीक है? और डायनेमिक्स क्या हो गई? डायनेमिक्स इज ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच मोशन इज स्टडीड विद द कॉज ऑफ मोशन, ठीक है? इसके अंदर हमें क्या पता होता है? कॉज ऑफ मोशन भी हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम कॉज ऑफ रीजन के अंदर हम लोग फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेकंड जो आपके चैप्टर का नाम है, वो सेकंड चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन हम लोग स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ मोशन के बारे में, ठीक है? मतलब हम लोग फोर्स के बारे में हम ये नहीं बताएंगे। इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे उसमें ये आएगा, ए फुटबॉल, ए व्हीकल, ए कार, ठीक है, एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग ऑन द रोड, ठीक है, विदाउट नोइंग वाई दैट ऑटोमोबाइल, कार, फुटबॉल इज मूविंग, ठीक है? तो डेफिनेटली सम फोर्स वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोशन, ठीक है? लेकिन उस फोर्स के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। तो ऐसी यही ब्रांच हम लोग स्टडी करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, क्लियर है? तो मैं सेकेंड डायनेमिक्स को आपको सेकेंड ब्रांच के अंदर पढ़ाएंगे, पहले काइनेमेटिक्स ले रहे हैं, इससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक्स स्टडी कर रहे हैं, देखो। ओके स्टूडेंट, तो चलो मोशन की स्टडी स्टार्ट करते हैं। मोशन के अंदर सबसे पहली चीज आती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में, मोशन के अकॉर्डिंग स्टेट के बारे में, ठीक है? वैसे तो हम लोग केमिस्ट्री के अंदर स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 बताते हैं, वैसे 5 भी बताते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट की नहीं, वो हम मैटर की स्टेट्स बताते हैं, ठीक है? यहाँ हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मोशन। There are two states of an object, that is rest and another one is called motion. Clear है? Rest और motion किसी भी object की दो state होती हैं, ठीक है? क्या होता है rest को आप कैसे define करते हो? An object is said to be at rest if the object does not change its position, does not change its position, does not change its position with respect to time as well as a reference point, as well as a reference point. Important definition is कि किसी भी object को rest के ऊपर तब कहा जाता है जब वो object अपनी
पोजीशन को चेंज नहीं करता, किसके रेस्पेक्ट में, एक तो टाइम के रेस्पेक्ट में और दूसरा रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट मी से एक आपके यहाँ मैं एक ट्री या पेड़ बना देता हूँ, उस पेड़ के नज़दीक एक पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है, ये ग्राउंड था आपका, या एक पर्सन खड़ा हुआ है, खड़ा मतलब दिस पर्सन इज एट रेस्ट। तो कब कहेंगे कि ये पर्सन रेस्ट के ऊपर है? तो फर्स्ट थिंग, ठीक है, अगर इस पर्सन ने कोई घड़ी बांध रखी तो उस घड़ी में लेट मी से 9 बजे थे। ठीक है, तो 9 बजे से और 9:30 तक अगर उस पर्सन की पोजीशन यही रहती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट पर्सन इज सेट टू बी एट रेस्ट। अनदर थिंग, इफ नो, अगर उस 9 बजे से 9:30 बजे तक वो पर्सन की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू दिस लेट मी से ट्री, ठीक है, इस ट्री से लेट मी से वो पर्सन है वो 2 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर खड़ा था। ठीक है, तो द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन इज 2 मीटर फ्रॉम द ट्री। तो ट्री को हम लोग बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, ट्री इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। तो आप बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट से अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी इस 2 मीटर की डिस्टेंस को या इस 2 मीटर की पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, तब भी उसको किस पे कहा जाएगा? रेस्ट के ऊपर कहा जाएगा। तो दो वेज हो गए रेस्ट पे बोलने के लिए। फर्स्ट थिंग, दैट ऑब्जेक्ट शुड नॉट या मस्ट नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम। वो ऑब्जेक्ट अपने टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करता रहना चाहिए। सेकेंड थिंग, दैट ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी वो अपना पोजिशन चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैकेनिक्स की जो ब्रांच हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर रेफरेंस पॉइंट का एक स्पेशल रोल होता है। ठीक है, तो क्या होता है रेफरेंस पॉइंट? बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ के अंदर रेफरेंस पॉइंट को एक ऐसी ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं विच ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए बिल्डिंग, ए स्कूल, ठीक है, ए एनी लैंडमार्क, ठीक है, ए पोस्ट ऑफिस, ठीक है, कोई ऐसी फेमस मान लेते हैं दुकान जो आपके मार्केट में प्रेजेंट हो, ठीक है, या लेट मी से आप बोल लेते हो कोई फेमस हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, कोई फेमस स्कूल हो गया, उन सभी को हम लोग जो लैंडमार्क बोलते हैं वो लैंडमार्क एक्चुअली में रेफरेंस पॉइंट ही चूज किए जाते हैं। ठीक है, अमेजोन की फ्लिपकार्ट की डिलीवरी आती है तो उसमें भी आप देखते होंगे कि आपको एक ऑप्शन के अंदर टू गेट द इजी डिलीवरी, ठीक है, आपको क्या चाहिए? एक रेफरेंस पॉइंट या एक लैंडमार्क डिसाइड करना होता है। ठीक है, कि आपका घर है वो लेट मी से बस स्टैंड के नजदीक है, तो बस स्टैंड वहां पे क्या हो गया? एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। क्लियर है, तो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है हमें किसके अंदर? स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, हम रेफरेंस पॉइंट इज सो चूजन दैट इट मस्ट बी नोन टू ऑल, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग, इट मस्ट बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या रहना चाहिए? रेस्ट पे रहना चाहिए। ठीक है, कोई व्हीकल हो गया, कोई बाइसिकल हो गई, कोई लेट मी से बाइक हो गई, ये सारी चीजें रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकती, क्योंकि व्हीकल, बाइक और साइकिल वगैरह ये अपनी पोजिशन को क्या कर सकती हैं? चेंज कर सकती हैं। ठीक है, उनका ओनर अगर उनको ले गया तो रेफरेंस पॉइंट भी आपका हट जाएगा। तो रेफरेंस पॉइंट हरदम एक ऐसी ऑब्जेक्ट को चूज किया जाता है जो मोस्ट ऑफ टाइम, या हम लोग अगर हमारे ऊपर एक ऐसा चूज करते हैं तो दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट। वो ऑब्जेक्ट क्या रहना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए। और अगर किसी को बता रहे हैं तो इट शुड बी नोन टू दैट पर्सन ऑल्सो। वो रेफरेंस पॉइंट उसको, उस पर्सन को पता भी होना चाहिए कि कहां सिचुएट है वो पॉइंट। क्लियर है, तो हमने डिफाइन किया रेस्ट को। ओके, उसके बाद आता है मोशन की। मोशन की डिफिनेशन इसके अपोजिट हो जाएगी। इफ एन ऑब्जेक्ट डज चेंज इट्स पोजिशन, डज चेंज, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजिशन को क्या करता है? चेंज करता है। पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी पोजीशन को चेंज करता है, एज वेल एज रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी अपनी पोजीशन को चेंज करता है, दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा? मोशन में। ठीक है, तो अगर इसी सेम एग्जांपल को हम मोशन में सिचुएट करना चाहें, तो अगर हम बोल लेते हैं कि लेट वी से एट 9 o'clock या 9 AM दिस पर्सन स्टार्ट्स मूविंग इन द लेट वी से राइट डायरेक्शन के अंदर ये पर्सन मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो ऑब्वियसली अगर पर्सन मूव करना स्टार्ट कर देता है तो द पोजीशन और दिस डिस्टेंस, ये जो 2 मीटर की पोजीशन थी इनिशियली इस पर्सन की, दिस 2 मीटर डिस्टेंस विल कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एज वेल एज विद रेस्पेक्ट टू द टाइम ऑल्सो। ठीक है, जितना टाइम बढ़ता जाएगा दैट पर्सन विल गो ऑन फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, दैट इज ट्री से ये पर्सन क्या जाता जाएगा? दूर जाता जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजिशन को चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में और रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो उस पॉइंट को हम लोग या उस स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? मोशन हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जब भी रेस्ट और मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक वर्ड आता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, रेस्ट और मोशन क्या होती है? रिलेटिव टर्म्स होती है। इसका मीनिंग समझना, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में
इस वर्ल्ड के अंदर या इस यूनिवर्स के अंदर नथिंग इज एब्सोल्यूट एट रेस्ट एंड नथिंग इज एब्सोल्यूट एट इन मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ना तो एब्सोल्युटली रेस्ट के ऊपर है ना एब्सोल्युटली मोशन में है। ठीक है, हम रेस्ट और मोशन एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। मैं इसको इस टर्म को डिफाइन करता हूँ, रिलेटिव टर्म्स क्यों कही जाती है कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। तो लेट मी से एक पर्सन है, मैं ऐसे अर्थ बना देता हूँ, अर्थ के ऊपर एक पर्सन सिचुएट। ठीक है, अगर मान लेते हैं दूसरा पर्सन उस या हम बोल लेते हैं कि ये पर्सन था, इस पर्सन के रिस्पेक्ट में यहाँ एक घर बना हुआ था H1 और यहाँ एक दूसरा घर बना हुआ था H2। ठीक है, तो उस पर अगर ये पर्सन रेस्ट के ऊपर इन दोनों घर को रेस्ट के ऊपर कहता है, इसका मतलब ये दोनों घर के बीच की जो पोजीशन है ना ये चेंज नहीं होती है टाइम के रेस्पेक्ट में और रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और अगर ये पर्सन भी यहीं रहता है अगले आधे घंटे तक तो ये तीनों चीज़ें क्या कही जाएंगी, रेस्ट के ऊपर कही जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर इन तीनों इस पर्सन को और इन दोनों घरों को एक ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन है जो लेट मी से किसके ऊपर प्रेजेंट है, मून पे प्रेजेंट है, और लेट मी से उस पर्सन के पास ऐसा एक है पावरफुल टेलीस्कोप है जिससे वो इस पर्सन को भी देख पा रहा है और इन दोनों घरों को भी देख पा रहा है, तो आपको पता है अर्थ इज रिवॉल्विंग। ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है और रोटेट भी कर रही है। ठीक है, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अगर अर्थ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है सन के अराउंड और अपनी पोजीशन को ये दोनों घर या पर्सन है, अगर ये पर्सन और ये दोनों घर अगर उस मून वाले पर्सन के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग ये बोलेंगे क्या है, ये मोशन के अंदर है। ठीक है, तो ये बड़ी सिंपल सिचुएशन है, इस पर्सन के रेस्पेक्ट में द पर्सन दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, उस पर्सन के रेस्पेक्ट में ये H1 और H2 घर किसके ऊपर थे, रेस्ट के ऊपर थे, लेकिन यही दोनों घर कम्स इन मोशन व्हेन ए पर्सन ऑब्जर्व दीज हाउसेज फ्रॉम द मून। ठीक है, मून से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, द रीजन बिहाइंड इट अर्थ इज रोटेटिंग एज वेल एज रिवॉल्विंग। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल जिसके अंदर एक ही सिचुएशन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर भी था और दूसरे वही दूसरी सिचुएशन में या दूसरे सिनोरियो के अंदर वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है, मोशन में। इससे भी थोड़ा इजी टर्म में एग्जाम्पल दूं तो मान लेते हैं मैं एक रेलवे ट्रेन के कोच के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, उस कोच के अंदर दो फेलो पैसेंजर्स हैं, दो पैसेंजर बैठे हुए हैं, एक पैसेंजर लेट मी से यहाँ बैठा हुआ था, एक यहाँ, तो ये दोनों पैसेंजर विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर ये दोनों बैठे हुए हैं सीट के ऊपर तो किस में है, ये रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, बट इफ दीज पर्सन आर ऑब्जर्व बाई एन अनदर पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ पर्सन अगर कोई पर्सन अगर इन दोनों को क्या कर रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, और अगर ट्रेन मोशन के अंदर है तो दीज टू पैसेंजर्स विल अपीयर टू बी इन मोशन, वो एक इसमें दिखाई देंगे मोशन में। तो देखो उस फेलो पैसेंजर के साथ या ये दोनों पैसेंजर आपस में रेस्ट के ऊपर हैं, लेकिन ये दोनों पर्सन मोशन में बन जाते हैं या मोशन में हो जाते हैं जब उनको एक ऐसा पर्सन ऑब्जर्व करता है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन मोशन के अंदर है। उस केस के अंदर रेस्ट और मोशन स्टेट एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं और नथिंग इज एब्सोल्यूट एट रेस्ट और नथिंग इज एब्सोल्यूट एट इन मोशन, इट सिंपली मींस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, रिलेटिव होती हैं। ठीक है, देखा होगा कार और बस वगैरह में बैठ के अगर आप स्कूल भी आते थे, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको जो ट्रीज थे वो पीछे की डायरेक्शन में भागते हुए दिखते हैं, वेयर एज आप खुद दूसरे स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में क्या रहते हो, रेस्ट के ऊपर रहते हो। ठीक है, तो उस केस के अंदर रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स होती है, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये चीज एब्सोल्यूट क्या है, रेस्ट के ऊपर है, और ये चीज एब्सोल्यूट मोशन में है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव टर्म्स। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर टॉपिक। ओके स्टूडेंट, वी आर टेकिंग अनदर टॉपिक दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टर्म्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो और क्या बोलोगे एलिमेंट्री टर्म्स आपको डिस्कस करवाऊंगा फिजिक्स के अंदर, एक होगा स्केलर और एक होगी वेक्टर। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, क्या होते हैं स्केलर्स और वेक्टर, फिजिक्स के अंदर जिस भी चीज़ को मेजर किया जा सकता है ना उसको हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या हो गया, क्वांटिटी क्या होती है, ए फिजिकल थिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज क्वांटिटी। ठीक है, जैसे आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, आप फोर्स को मेजर कर सकते हो, आप मोमेंटम को मेजर कर सकते हो, आप स्पीड को मेजर कर सकते हो, तो ये सारी की सारी क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर, ये सारी की सारी टर्म्स हैं, ये फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्लियर है, तो उन क्वांटिटीज को या जितनी भी टर्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं फिजिक्स के अंदर, उन पैरामीटर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, स्केलर्स और वैक्टर्स के अंदर। क्लियर है,
तो पहले डिफाइन कर देते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, स्केलर्स क्या होते हैं? स्केलर को आप डिफाइन करते हो ऐसी क्वांटिटीज जिनको बताने के लिए या जिनको स्पेसिफाई करने के लिए वी ओनली नीड मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमें सिर्फ किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वी नीड नो डायरेक्शन टू स्पेसिफाई दीज क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम लोग स्टडी करते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बताने के लिए जिस न्यूमेरिकल वैल्यू की आपको जरूरत पड़ती है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट मी से, आपने कहा इफ ए पर्सन गोज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ठीक है, अगर एक पर्सन है वो 50 मीटर की डिस्टेंस पे जाता है, लेट मी से। ठीक है, तो मीटर तो क्या हो गई? मीटर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो यूनिट मीटर तो क्या हो गई? किसी की मेजरमेंट की यूनिट हो गई। और 50 यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इस न्यूमेरिकल वैल्यू का हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, क्या बताया मैग्नीट्यूड ने? मैग्नीट्यूड ने आपको एग्जैक्टली ये बताया कि वो पर्सन कितनी दूर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड डिसाइड या मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई द डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या कर रहा है? स्पेसिफिकेशन दे रहा है उसकी। ठीक है, तो हम डिफाइन करेंगे मैग्नीट्यूड इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट विद एनी यूनिट। ठीक है, किसी भी यूनिट के साथ एसोसिएट जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएट होती है उसको क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिनके स्पेसिफिकेशन के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताना पड़ता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स बोलते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड वैक्टर्स क्या होते हैं? वैक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज या दोज क्वांटिटीज आर इंक्लूड इन वैक्टर्स विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू स्पेसिफाई दैम। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे हम लोग फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो आप आगे जाके पढ़ोगे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज पुल एंड पुश ऑन एनी ऑब्जेक्ट। पुल एंड पुश ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाए जाने वाला पुल और पुश क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो फोर्स है क्या? जब भी हम मान लेते हैं एक आपके पास बॉक्स रखा हुआ था, व्हेन दिस बॉक्स इज डिस्प्लेस्ड इन राइट डायरेक्शन यू विल अप्लाई ए पुश ऑन दिस बॉक्स। इस बॉक्स के ऊपर आप क्या लगाओगे? पुश। एंड दैट पुश मस्ट बी अप्लाइड इन ए गिवन डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, उस पुश को आप एक डायरेक्शन में भी लगाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी आपको फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है और फोर्स के बारे में किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है तो मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि दैट पुल और पुश इज अप्लाइड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की भी जरूरत होती है और साथ में डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ। ठीक है, स्केलर्स के एग्जाम्पल आ जाएगा मास, ठीक है, लेंथ, ओके, टाइम, स्पीड, ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जो स्केलर्स आप पढ़ोगे उसके अंदर। और वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स, एक आपके पास फोर्स हो गया, एक आएगा वेलोसिटी, ओके, एक हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ओके, इसी यूनिट के अंदर एक और क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी आएगी, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो वेक्टर्स के होते हैं। तो आपको ये बड़ी सिंपल सी बात स्पेसिफाई करनी है कि जैसे मैं स्केलर्स के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी हम किसी को टाइम बताते हैं तो हमने कभी डायरेक्शन नहीं बताई होगी। ठीक है, आपने कभी किसी को नहीं कहा होगा कि मेरी घड़ी में 4 बजे है, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। इसका मतलब वी नेवर स्पेसिफाई डायरेक्शन टू प्रिडिक्ट द टाइम। टाइम को बताने के लिए हम लोग कभी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताते हैं। तो डायरेक्ट टाइम एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, ठीक है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसको स्पेसिफाई जब हम लोग करते हैं तो वी ओनली नीड मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की। सिमिलरली मास और लेंथ भी होगी। तो इन क्वांटिटीज के बारे में आप रिपीटेडली पढ़ोगे तो आप ध्यान देना जिन क्वांटिटीज के डायरेक्शन, जिन क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट मस्ट है, बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलेगा, ऐसी क्वांटिटीज को वैक्टर्स बोलते हैं। और जिनके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये स्पेसिफाई, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आप स्टडी करते हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो,
ओके स्टूडेंट, तो डिस्टेंस को पहले डिफाइन करते हैं हम लोग। डिस्टेंस क्या होता है? अगर शॉर्ट वे में डिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल करके जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इनको डिफिनेशन दी हमने समझना चाहे तो लेट मी से ए पर्सन स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ए पॉइंट एंड इट फॉलो दिस काइंड ऑफ पाथ। ठीक है, वो जो पर्सन है या वो ऑब्जेक्ट वो ऐसे पाथ को ओबे करता हुआ कहाँ पहुँचता है? बी पॉइंट के ऊपर पहुँचता है। ये मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन बता देता हूँ लेट मी से उसकी। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे ऐसे जाता है वो पर्सन। ठीक है, तो जब वो पर्सन ऐसे जा रहा है तो आपको पता है एक बहुत ही इरेगुलर पाथ के ऊपर ट्रेवल करके वो पर्सन ए से बी पॉइंट तक पहुँचा है। ठीक है, तो लेट मी से एक्चुअली में जब वो पर्सन ए से बी तक जा रहा है तो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की लेट मी से कितने के बराबर? 70 मीटर के बराबर। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन ए टू बी पॉइंट वुड बी कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो हो जाएगी किसके बराबर? 70 मीटर के बराबर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आपको पता होगा मैथमेटिक्स ये कहता है कि दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, और लेट मी से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 10 मीटर के बराबर आती है तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 मीटर के बराबर हो गया। और साथ में मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग बताते हैं तो पहली चीज डिस्प्लेसमेंट को अगर आपने डी से लिखा तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा? वेक्टर का एक साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर साइन क्या होते हैं? एरो कोई किसी भी पर्टिकुलर अल्फाबेट के ऊपर एक एरो पुट कर देना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर साइन बोला जाता है। अगर आपको डिस्टेंस को डी से लिखना है तो डिस्टेंस को आप डी से लिखोगे, नो साइन विल बी रिक्वायर्ड टू गिव द वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज को बताने के लिए आपको कोई साइन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेयर एज वेक्टर क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए आपको एक वेक्टर साइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का या उस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे पहचाना आपने? वेक्टर साइन से। ठीक है, कितना हो गया? 10 मीटर हुआ। साथ में आप क्या लिखोगे? फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, ए टू बी पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड 10 की भी रिक्वायरमेंट पड़ी, साथ में आपने डायरेक्शन भी बताई कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने मेजर किया है, ये जो आपने शॉर्टेस्ट पाथ मेजर किया है वो ए पॉइंट से कहां तक मेजर किया है? बी पॉइंट, ए टू बी पॉइंट, मतलब ए से बी पॉइंट की तरफ मेजर किया है। ठीक है, तो आप ऐसे करके एक साइन भी पुट कर सकते हो, ऐसे एक एरो साइन भी पुट किया जा सकता है। क्लियर है? दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्लियर हो गए होंगे। शॉर्टेस्ट पाथ है वो शॉर्टकट पाथ बोलते हैं जिसको हम लोग रेगुलर लैंग्वेज के अंदर, तो वो शॉर्टकट पाथ को तो डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और जो आपका एक्चुअल पाथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ये पहला डिस्टिंक्शन हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। क्लियर है? सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड थिंग देखते हैं। देखो, सेकेंड थिंग है आपके पास, लेट मी से मैं ऐसे बोल देता हूँ, ए पर्सन गोज फ्रॉम एम पॉइंट टू एल पॉइंट। मैं साथ में दोनों को समझाता जाऊंगा। एम पॉइंट से एल पॉइंट तक जाता है और दोनों के बीच में, एम और एन पॉइंट के बीच में लेंथ दे रखी है लेट मी से 100 मीटर के बराबर। ठीक है, तो देखो, अगर वो पर्सन एम पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है एंड फाइनली दैट पर्सन रीच एट एल पॉइंट, तो एम से एल तक गैप गया है तो उस आपसे पूछा क्या जाएगा? फाइंड द डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्सन फ्रॉम एम टू एल पॉइंट। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द पर्सन आप बताओगे 100 मीटर, क्योंकि एक्चुअली वो पर्सन स्ट्रेट लाइन पाथ से गया है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो पर्सन स्ट्रेट लाइन में एम पॉइंट से एल पॉइंट तक ट्रेवल करते गए, तो एक्चुअल पाथ ऑफ द पर्सन हो गया 100 मीटर, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन भी यहाँ कितने के बराबर होगा? 100 मीटर के बराबर होगा। बस आप क्या जस्टिफाई करोगे? 100 मीटर फ्रॉम एम टू एल पॉइंट, एम टू एल पॉइंट। ठीक है, तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट बताओगे यू विल ऑलवेज स्पेसिफाई द डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट के अंदर हरदम क्या स्पेसिफाई की जाएगी? डायरेक्शन को हम लोग क्या करेंगे? स्पेसिफाई करेंगे। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने वेक्टर साइन लगाया, डिस्प्लेसमेंट के साथ
डिस्प्लेसमेंट के साथ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हो गई, डिस्टेंस है, स्केलर है, नो साइन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जाता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो स्ट्रेट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन इज ए मोशन इन विच डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज अगर मैं लिखूं तो क्या बोलोगे, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज, डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं मैं यहां पे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर देन डिस्टेंस। अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट हरदम छोटा होगा किससे, डिस्टेंस है। तो वो तो सिंपल है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा पाथ है आपका, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट ही हो गया, अगर कोई चीज सबसे छोटी हो गई तो वो छोटी मिलेगी किससे, एक्चुअल पाथ से, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ से वो छोटी मिलेगी। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर देन डिस्टेंस। If straight line motion is considered, then displacement can be lesser than and equal to distance. ठीक है, displacement है ना, वो lesser than रहेगा या equal to हो सकता है किसे, distance से। Clear है? एक दोनों की similar चीजें क्या है, बोथ दोनों की जो यूनिट है, जिनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो दोनों की क्या है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर मेजर्ड इन मीटर। दोनों को किसमें मेजर किया जाता है, मीटर में हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर है? ओके, एक और डिस्टिंक्शन है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में, ये दोनों ही, नीदर डिस्टेंस नोर डिस्प्लेसमेंट टेल्स, नीदर डिस्टेंस नोर डिस्प्लेसमेंट टेल्स अस अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन। ना तो डिस्टेंस ना डिस्प्लेसमेंट आपको टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन का मतलब मैंने बताया अभी, एक मोशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। एक मोशन होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, क्लियर है। एक मोशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग कर्वीलिनियर मोशन, क्लियर है। एक मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो इनमें से किसी भी टाइप ऑफ मोशन के बारे में ना डिस्टेंस ना डिस्प्लेसमेंट आपको कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है। तो दो सिमिलरिटीज हो गई, द सिमिलरिटीज बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज दे पजेस सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मीटर होती है इनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, छोटी यूनिट आप कंसिडर करोगे तो सेंटीमीटर आ जाएगी इनकी, ठीक है। सेकेंडली, नीदर डिस्टेंस नोर डिस्प्लेसमेंट टेल्स अस अबाउट द टाइप ऑफ मोशन, ये टाइप ऑफ मोशन के बारे में नहीं बताते। तो ये डिस्टिंक्शन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, PDF में इनकी ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके कुछ न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं, इनके ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का वे बताएंगे, देखो कैसे करते हैं।